तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी ठीक ठाक हूँ और आप लोग भी सही होंगे। तो फाइनली आपके सामने किया की कैरेंस लाया हूँ, जो कि 2007 का मॉडल है, काफ़ी पुराना मॉडल है। तो इसमें मैं कॉम्प्रेसर और कंडेंसर चेंज करने जा रहा हूँ, यानी रिप्लेस करने जा रहा हूँ। क्यों रिप्लेस करने जा रहा हूँ? क्योंकि इसका जो कंप्लेन था ना, जब क्लाइमेट गर्म ज़्यादा हो जाता है ना, यानी हीट ज़्यादा हो जाता है, 40 40 डिग्री तक टेम्परेचर, अब आउटसाइड टेम्परेचर यानी क्लाइमेट जब रहता है ना, तो कूलिंग नहीं होती है। अभी गाड़ी ठंडी है, अभी टेम्परेचर अगर 20 25 डिग्री टेम्परेचर है अभी यहाँ, तो यहाँ पे कूलिंग बराबर होती है, कंप्रेसर भी बराबर चलता है और सब कुछ बराबर चलती है। अगर गाड़ी चालू करता हूँ मैं, गाड़ी चालू हो चुकी और एसी चालू करता हूँ, एसी ऑन है, ब्लोअर चालू है और बाहर मैं आपको दिखाता हूँ, कंप्रेसर वगैरह सब बराबर चल रहा है। अभी टेम्परेचर नॉर्मल है तो कूलिंग बराबर हो रही है। कंप्रेसर तो अभी चालू नहीं हुआ है, एसी तो मैं चालू रखा हूँ वहाँ से। इसका मसला यही आ रहा है, कभी कंप्रेसर चलता है कभी नहीं चलता है, और कभी अगर चलता भी है तो हीटिंग टेम्परेचर यानी क्लाइमेट अगर गर्म रहती है तो उस टाइम कूलिंग छोड़ देता है ऑटोमेटिकली। तो इस वजह से मैं इसका कंडेंसर और कंप्रेसर चेंज करने वाला हूँ। तो बम्पर तो मैंने पहले खोल रखा है ऑलरेडी, तो बम्पर खोलने के बाद ये वाला पट्टी जो है ना, इसको इधर दबाएंगे, फिर इसको यहाँ पे पीछे साइड से 1 10 नंबर यहाँ दिया है, 1 10 नंबर यहाँ दिया है, तो ये दोनों बोल्ट खोलेंगे तो कंडेंसर ऐसा और नीचे एक लॉक रहता है, ऊपर करेंगे ऊपर करके निकल जाएगा, और 2 10 नंबर यहाँ कंडेंसर के पास का जॉइंट है। तो ये सब मैं खोलता हूँ, खोल कर कंडेंसर बाहर निकालता हूँ। तो सबसे पहले मैं गैस छोड़ देता हूँ, इसको रिकवरी नहीं करेंगे, इसका गैस छोड़ देंगे बिल्कुल, गैस इधर से निकल रहा है। तो वह 10 नंबर इधर पीछे से दिया है तो मैं पीछे से खोलता हूँ। तो फाइनली इधर का भी बोल्ट खोल लिया हूँ, यहाँ का भी बोल्ट खोल लिया हूँ दोनों, और इसको थोड़ा इधर खींचा हूँ, उसके बाद जा कर के ये कंडेंसर निकलेगा। और रेडिएटर को थोड़ा सा पीछे ले लिया हूँ, तो चलो इसको मैं निकालता हूँ। तो फाइनली अपना कंडेंसर निकल चुका, देख पा रहे कंडेंसर कैसा दिख रहा है? कंडेंसर भी सही है, कंडेंसर कुछ खास ख़राब कंडीशन में है फुल। और इसमें देख लीजिए, कंडेंसर थोड़ा सा काला काला आ गया है इसमें, तो कंडेंसर चेंज करना लाजिम है। उसके बाद आप देख लीजिए रेडिएटर को कितना मट्टी भरा है, ये देख लीजिए। तो ये मेरे को एयर से क्लीन करना पड़ेगा या फिर वाटर से क्लीन करना पड़ेगा, तो चलो सबसे पहले मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। काफ़ी सारा मिट्टी निकल रहा है तो इसको मैं क्लीन करता हूँ पूरा हवा मार करके। तो कंडेंसर फिटिंग करने से पहले अपन कंप्रेसर को खोल लेते हैं। कंप्रेसर का यहाँ से तो दिखेगा नहीं आपको, ऊपर से दिखा देता हूँ। ये दोनों लाइन खोल चुका हूँ, सक्शन और डिस्चार्ज पाइप दोनों खोल चुका हूँ। ये रही डिस्चार्ज पाइप,
डिस्चार्ज पाइप में काला काला तो दिख रहा है, लेकिन रिटर्न लाइन में, सक्शन लाइन में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, मतलब कंप्रेसर में काला आया नहीं है। तो अपन डिस्चार्ज वाले लाइन में चेक करेंगे, वहाँ तक कूलिंग कॉइल के पास तक जा कर के, कि उधर तो काला नहीं आया। तो सबसे पहले अपन कंप्रेसर खोल लेते हैं। कंप्रेसर खोलने से पहले बेल्ट निकालना पड़ेगा। बेल्ट निकालने के लिए मैं यहाँ पे रिंग पाना स्पैनर लगा करके इसको 17 नंबर दिया है स्पैनर से, इधर इसको बेल्ट को पीछे ले लेता हूँ, ले लिया हूँ। और अब मैं कंप्रेसर में 12 नंबर बोल दिया है, 4, तो चारों बोल्ट खोलता हूँ, खोल के कंप्रेसर बाहर निकालता हूँ। तो फाइनली सभी बोल्ट खोल लिया हूँ, अब कंप्रेसर अपना निकल जाएगा। उससे पहले सॉकेट निकाल देता हूँ कंप्रेसर की, उसके बाद कंप्रेसर निकल चुका। तो चलो इसको मैं बाहर लेता हूँ, बाहर इधर से आ जाना चाहिए। तो चलो बाहर निकालता हूँ इसको मैं। तो फाइनली अपना कंप्रेसर बाहर आ चुका। तो कंप्रेसर में देख पा रहे हैं इसका भी आवाज़ है, यही चीज़ आवाज़ भी कर रही थी शायद। हाँ, इसका ही पुल्ली का भी आवाज़ है। और कंप्रेसर में डिस्चार्ज लाइन में देख रहे हैं काला काला निकल चुका है, हल्का 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 सा। सबसे पहले मैं आपको नया वाला कंप्रेसर दिखा देता हूँ। देख पा रहे हैं मेड इन कोरिया कंप्रेसर है, ओरिजिनल कंप्रेसर है, डुओन का है। और ओल्ड वाला भी देख लीजिए, डुओन का ये भी है, DV616 दोनों सेम कंप्रेसर है, कोई ओल्ड अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो चलो इसको मैं फिटिंग कर देता हूँ, ये कंप्रेसर भी बन जाता, कोई मुश्किल नहीं था इसमें। इसका वाल का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, प्रेशर कभी कूलिंग छोड़ देना, पकड़ना कूलिंग छोड़ना पकड़ना, यही वाला वाल का मसला रहता है। तो चलो मैं इसको नया वाला फिट करता हूँ पहले। तो फाइनली अपना कंप्रेसर फिट हो गया, न्यू वाला बेल्ट भी लग गया। तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ एक्सपेंशन वाल के पास जॉइंट खोल के यहाँ देख लेता हूँ काला उला तो नहीं है। तो फाइनली इसको मैं खोला, खोलने के बाद इसके अंदर जो डाल रहा हूँ ना वाइट कपड़ा, तो ये काला काला निकल रहा है, ज़्यादा नहीं निकल रहा है, हल्का सा निकल रहा है, मतलब इसका जो है इवापोरेटर तक भी काला गया है, ये देख पा रहा काला निकल रहा है। तो इसको मैं सबसे पहले क्लीन करता हूँ, अंदर से एसिड डालूँगा जो कि R134 का है कंपनी का, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये एसिड डाल के रेफ्रिजरेटर क्लीन करने वाला है, ये इसमें लिक्विड रहता है, ये लिक्विड डालूंगा इसमें, डाल के देखता हूँ, अगर क्लीन हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इवापोरेटर भी अपने को डालना पड़ेगा। तो चलो फिर एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। पर है ये एक तरफ से मैं लिक्विड डालता हूँ, जैसे अपना गैस का फ्रियोन का लिक्विड रहता है
उसी तरीके का ये भी एक लिक्विड है, लेकिन नीचे से बिल्कुल क्लीन आ रहा है। मतलब इसका पता ये चल रहा है कि क्लीन है सिस्टम, अपने को कुछ डालने की ज़रूरत है नहीं इसमें। ज़रा इधर से भी डाल देता हूँ एक बार, इधर से क्या रिस्पॉन्स मिलता है, क्लियर आ रहा है क्या नहीं। जैसा फ्री ऑन रहता है सेम टू सेम ऐसे ही ये भी थिनर है एक, जो कि अगर काला रहता है तो उसको साथ लेकर के निकाल देता है। तो देखते हुए वेट करते हैं, अभी तक भड़ा नहीं रहेगा। तो इसमें प्रेशर है नहीं उतना, इधर से जा नहीं पा रहा है, इधर से ही जा रहा है ये। तो अपने को कॉइल डालने की ज़रूरत है नहीं। तो चलो फिर मैं इसको प्रेशर मार के क्लीन कर देता हूँ। तो देख पा रहे हैं जैसा लिक्विड डाला हूँ वैसा ही लिक्विड निकल रहा है, मतलब कॉइल जो है इसका क्लीन है, कॉइल में पहुँचा नहीं है। तो चलो फिर मैं इसको पूरा एयर निकाल के जितना भी लिक्विड डाला हूँ सब निकाल लेता हूँ। तो ये है इसका नया कंडेंसर, ये पुराना कंडेंसर, दोनों सेम है। तो चलो फिर मैं नया वाला फिटिंग करता हूँ। तो फाइनली सब कुछ फिट हो गया, कंडेंसर फिट हो गया, कंप्रेसर फिट हो गया, बेल्ट वगैरह सब लग चुका है, यहाँ का भी जॉइंट लगा चुका हूँ मैं, और फाइनली इधर का भी जॉइंट लग चुका है। तो चलो अब मैं इसमें मीटर लाइन लगा चुका हूँ, लॉ वाला लगा रखा हूँ, और लॉ वाला अपना हाई प्रेशर मीटर से कनेक्शन है, और ये वाली कंप्रेसर से कनेक्ट है अपना ये वाला, जो कि यहाँ से दोनों तरफ प्रेशर जाता है। तो मैं इसमें लगा के रखा हूँ, तो प्रेशर इसमें लेना है, तो इसको खोल देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। तो चलो इसको चालू करता हूँ मैं, चालू हो चुका, देख पा रहे हैं प्रेशर बढ़ रहा है, 300 का प्रेशर मार के चेक करेंगे लीक। तो 300 का प्रेशर हो गया, अब मैं इसको बंद करता हूँ। तो फाइनली ये बंद हो गया, देख पा रहे हैं 300 का बराबर प्रेशर हो गया इसको बंद कर देने का, इस तो पहले से ही बंद है। तो चलो अब इसको होल्ड रखता हूँ आधा घंटा, और चेक करता हूँ कि लीकेज वगैरह तो नहीं है, तो फिर आगे दिखाता हूँ आपको। तो अब तक प्रेशर तो होल्ड है, ड्रॉप वगैरह हुआ नहीं कुछ, कहीं से लीकेज भी नहीं है किधर से भी। तो चलो अब मैं प्रेशर को छोड़ देता हूँ, मैं ये लाइन को वैक्यूम में लगा लेता हूँ। और ये वाली लाइन इधर लगा देता हूँ। क्योंकि वैक्यूमिंग का गेज ये है अपना, इसमें लगाएंगे तो मीटर आउट हो जाएगा, तो इसमें लगाना पड़ेगा मेरे को। तो ये लगा दिया, इसको बंद कर देता हूँ, ये चालू कर दिया, इधर टाइट है फुल, अब इसको चालू कर देता हूँ। ये वैक्यूम हो रहा है, तो वैक्यूम होने देते हैं, फिर गैस चार्जिंग में लेके आता हूँ आपको। तो वैक्यूम कंप्लीट होने के बाद इतना सा ऑयल मार देंगे अपन,
लगभग 100 ml ऑयल है और कंप्रेसर में इसका ऑयल था, तो कंप्रेसर में तो डालने की ज़रूरत नहीं है, इतना डाल देंगे काम हो जाएगा। तो चलो वैक्यूम वगैरह होके ऑयल वगैरह डाल के फिर, तो अपना फाइनली वैक्यूम कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, मीटर लाइन को। आप वैक्यूम लीक टेस्ट करना चाहते हैं तो इसको होल्ड रखेंगे, यहाँ से आप लीक टेस्ट कर सकते हैं। अगर ये ड्रॉप होगा इधर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं सिस्टम में लीक है, तो अपने को ज़रूरत नहीं है। इसको बंद कर देता हूँ। अब इसको गैस के बाटला में लगा देता हूँ मैं, गैस के बाटला में इधर लगा करके इसको पलटी मार देता हूँ मैं। फाइनली इसको पलटी मार दिया हूँ मैं, यहाँ से ओपन कर दिया हूँ। अब यहाँ पे इसको खोलते हैं, तो गैस चार्ज हो चुका। तो चलो अंदर चलते हैं गाड़ी चालू करके, फिर आता हूँ मैं। तो फाइनली अपनी गाड़ी चालू हो चुकी है, एसी ऑन हो चुका, जिसमें गैस चार्ज करता हूँ मैं, और गैस थोड़ा ही गया अभी। जाने देते हैं पूरा, फैन भी चालू हो गया। यहाँ से आप रिटर्न लाइन चेक कर सकते हैं, तो फिर मैं गैस चार्ज करता हूँ। तो फाइनली अपना गैस चार्ज हो चुका, लो प्रेशर भी देख लीजिए 35 पे है अभी, और भी डाउन होगा, 30 के नीचे तक आएगा, थोड़ी देर चालू रखूँगा तब। और बाकी कंप्रेसर वगैरह बराबर चल रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर, कंप्रेसर चेक कर लेना एक बार कि हीट तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल ठंडी है कंप्रेसर, नो प्रॉब्लम, सही है, रिटर्न लाइन भी सही है। तो चलो ज़रा अंदर कूलिंग टेम्परेचर, कूलिंग देख लेते हैं हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अंदर भी कूलिंग मस्त हो रही है, अपने पास तो मीटर है नहीं, जो मीटर लगा के देखा था मैं आपको, सीओसी सब चालू है, बराबर है, तो बाकी और कोई मसला नहीं है इसका। थोड़ी देर चलने देते हैं, चलने के बाद और भी एक बार चेक कर लेंगे कंफर्मेशन के लिए कि कोई कंप्रेसर हीट वगैरह तो नहीं हो रहा है। अगर हीट हो तो आप ये चीज़ नोट कर लेना, हीट नहीं होना चाहिए कंप्रेसर, नॉर्मल हीट रहेगा चलेगा, नॉर्मल हीट नहीं, ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए। जैसे पानी वगैरह अगर मारेंगे तो पानी फटाकन के एग्जॉर्ब नहीं कर लेना चाहिए कंप्रेसर, पानी मारेंगे इजीली, पानी कंप्रेसर के ऊपर डालेंगे, ड्रॉप पकड़ के नीचे पानी अंदर जा करके नीचे गिर जाना चाहिए, पानी कंप्रेसर एग्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, उतना हीट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप चेक कर लेना, हाथ से भी चेक कर लेना, हाथ लगा करके आप पड़क, आप ऐसा कंप्रेसर हीट होना चाहिए कि आप हाथ लगा करके कंप्रेसर को अगर टच करेंगे तो हाथ लगा करके जितना टाइम हो सके उतना टाइम रख सकते हैं, जितना टाइम आपको रखने का मतलब ये करें, ऐसा नहीं कि पकड़े यूँ और छोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कंप्रेसर, आप पकड़ के रख सकते हैं इसको कंफर्टेबली, ऐसा हीट होना चाहिए। तो बाकी सब सही चल रहा है, बराबर चल रहा है। तो गाइज मैं ये सब चीज़ें ना आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए, और यहाँ की मेन रीज़न मेरा ये है कि यहाँ की गाड़ियाँ आपको दिखाऊँ किस तरीके से काम होता है, क्या फॉल्ट आता है क्या नहीं आता है, वो सब चीज़ आप देखो बस, और कुछ नहीं। तो चलो फिर ये वीडियो में यहाँ तक काफ़ी, और नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं। और गाइज मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो कैसा बन रहा है नहीं बन रहा है आप एक कमेंट करेंगे ना तो मुझे बेहद खुशी होगी, और उस कमेंट के हिसाब से मैं वीडियो आगे फिर बनाता रहूँगा। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।